हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीड आउट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अभी ये करंट अफेयर के एक क्वेश्चन है जो फरवरी 2022 में आ रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का लक्ष्य कितने वर्षों में अमेरिका में जो कैंसर से होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। तो ये आपका जो बाइडेन का ने एक टारगेट रखा हुआ, तो 50% कब कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं वो कम की जाए। तो ये 25 सालों के ने टारगेट रखा हुआ कि यानी आज से 2047 में ये आपके जो मौतें हैं वो कम से कम 50% हो जाए। तो इसके बारे में आप, ये कैंसर मोनशॉट एक प्रोग्राम चलाया गया था जब वहाँ पे ओबामा जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस टाइम जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, तो उस दौरान क्या हुआ था कि उनके बेटे का निधन हो गया था कैंसर की वजह से। तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब बेटा तो चला गया लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ किया जाए या देश के लिए कुछ किया जाए। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए, मन में रखते हुए उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी परसों। ये बोल्ड है, ये महात्मा काशी है, लेकिन ये पूरी तरह से कहने योग्य करने योग्य है, बिडेन ने व्हाइट हाउस से लॉन्च इवेंट में कहा। ये अभी जब इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए, कैंसर मोनशॉट प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये कहा था कि कैंसर से जो होने वाली जो मौतें इनको कम किया जा सकता है, हालांकि ये अपने आप में साहसी कार्य है। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि उनकी योजना कैंसर की मौत से सजा से एक पुरानी बीमारी में बदल देगी जिसके साथ लोग रह सकते हैं, और कैंसर रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक अधिक सहायक अनुभव पैदा होगा। होता क्या है कि अब जो कैंसर पीड़ित होता है तो उसके परिवार के साथ या उसको भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ऐसे में जब इस तरह से अगर इसका कुछ प्रॉपर इलाज अगर आ जाता है कैंसर का, तो हर बीमारी तो वहाँ परिवार के लिए एक अच्छा मतलब सेटिस्फेक्शन आगे के लिए वो उनके साथ अच्छे से रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरकार ने तकनीकी और वित्तीय व्यवहारता के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले को रसायनों में बदलने के लिए कितनी पायलट परियोजनाएं निर्धारित करने की घोषणा की है। तो ये चार परियोजनाएं हैं, इसमें आपकी चार परियोजनाएं हैं। ठीक है, सरकार ने अभी ये प्लान किया हुआ है कि कोल गैसिफिकेशन और उसमें कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स, जो आपका कोल होगा उसको केमिकल्स में फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए ये यूज करना है। तो उसके लिए भी चार पायलट परियोजनाएं शुरू की जा रही है। पायलट का मतलब यानी कि ये होगा कि ये पहले इसको चार परियोजनाओं को वहाँ पर अमल में लाएंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर वो काम करके तो फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो परियोजनाएँ फिर काम कर सकते हैं उस हिसाब से। इसके बारे में ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कोयले के इसकरण और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले के रूपांतरण के लिए चार पायलट परियोजनाएँ स्थापित की गई। तो अगर ये इसका मैं PDF बना लूँगा, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो जो चैनल होगा संजय शर्मा, ऐसे आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में अध्यक्ष और राज्यपाल के बीच खींचतानी जो देखी गई, तो ये आपका अभी पश्चिम बंगाल के बीच में ये चीज़ देखने को मिली हुई है। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे विच स्टेट विटनेस्ड टसल बिटवीन स्पीकर एंड द गवर्नर रिसेंटली। तो पश्चिम बंगाल में ये अभी देखने को मिल रहा है, आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये है यहाँ के राज्यपाल और ये रहे स्पीकर, CMBA वहीं पर ममता बनर्जी जी। तो अभी ये न्यूज़ बन करके आ रही है। 25 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के
राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की को श्रद्धांजलि देने के लिए विधानसभा परिसर का दौरा किया। ठीक है, अपने दौरे के दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विधान बंदोपाध्याय पर हमला बोला। ठीक है, तभी से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। मामला तब सुर्खियों में आया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर राज्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के कारण राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से क्या कर दिया, और जो ममता बनर्जी है तो उन्होंने राज्यपाल को वहाँ से ट्विटर हैंडल से ब्लॉक कर दिया हुआ, ये वाली चीज़ तभी ये आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ है उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, गृह मंत्रालय ने ओबीसी को उनके वाहन पर हमले के बाद किस श्रेणी के CRPF सुरक्षा कवर प्रदान किया है। तो ये आपका अभी आपने देखा ही होगा कि जो ओबीसी जी थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था, तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो थी, सिक्योरिटी जो है वो उनको देने का अनाउंसमेंट किया गया हुआ है गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो नेक्स्ट इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। शुक्रवार को यूपी के हापुड़ में हमले के बाद गृह मंत्रालय ने ओबीसी असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। इसमें ओबीसी की सुरक्षा घेरे में CRPF के जवान रहेंगे। ओबीसी की जेड कैटेगरी कैटेगरी सिक्योरिटी में अब 4 से 6 NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 22 जवान तैनात होंगे। तो ये अभी लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इन्हें इसको जेड सुरक्षा लेने से मना किया हुआ, ये अनाउंसमेंट भी आप देख पढ़ सकते हैं। PDF में ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी, डाल दिया हुआ। उन्होंने ये कहा, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे आप सभी के समान ए श्रेणी का नागरिक बनाएं। मैं चुप नहीं रहने वाला, मुझ पर गोली चलाने वालों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन आप उनके खिलाफ यूएपीए लागू करें। ये चीज़ उन्होंने कहा हुआ था। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। बाकी अभी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और उनको भी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो यहाँ से आपको कुछ जानकारी अगर आपको भी मिल रही है तो आप औरों के साथ भी साझा करो ताकि उनको भी करंट अफेयर जो है उनको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की कि फेसबुक के नाम से जाने वाली कंपनी अपना नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म इंक कर देगी। तो अभी मेटा नाम जो है फेसबुक का रखा जाएगा, ये घोषणा की गई है 28 अक्टूबर 2021 को। तो ये फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने ये घोषणा की हुई है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये कारण क्या रहा है इसका, ये आप पढ़ सकते हैं कि जो फेसबुक के यूजर्स थे उनकी कुल संख्या में गिरावट आई हुई है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पहली बार 17,000 साल पहले अपनी शुरुआत के बाद कभी ना ख़त्म होने वाली वृद्धि का अनुभव किया। तो काफ़ी मतलब यानी कि आग हमेशा आप ही चल रहा था, इस बार काफ़ी डाउन आ गया हुआ 2019-20 के बाद। मतलब फेसबुक पे काफ़ी गंभीर आरोप भी लगे हुए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्पज से ये काफ़ी प्रॉपर सिक्योरिटी या फिर यहाँ पर अलग अलग तरह फेक न्यूज़ जो है शेयर कर दी जाती है फेसबुक के ऊपर। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें जो है अभी यूजर्स जो है हट रहे हैं फेसबुक के
फेसबुक से यूजर्स कम हो रहे हैं। इसकी मूल कंपनी मेटा का तिमाही आय रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने पिछली तिमाही की तुलना में 2021 की चौथी तिमाही में लगभग आधा मिलियन, ये सारा का सारा आप रीड आउट कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने भारत में परम प्रवेगा नामक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया हुआ है? तो ये परम प्रवेग तो भारत में कौन सा, ये ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है, तो इनने क्या किया हुआ हाल ही में भारत में परम प्रवेगा नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया हुआ है? तो अभी ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर परम प्रवेगा नाम का एक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को इनने एक्टिवेट किया हुआ, चालू किया हुआ। ये क्या है जो आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशंस के तहत संस्था में चालू किया गया हुआ है? इससे पूरे भारत को विविध अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों की शक्ति प्रदान करने के लिए कमीशन किया गया हुआ NSM के तहत भारत में जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है NSM, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस के तहत भारत में अब तक 10 सुपर कंप्यूटर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 17 पेटाफ्लॉप्स की संचयी कंप्यूटिंग शक्ति है। ये आप इसमें से रीड आउट करना। इस प्रणाली में से प्रमुख अनुसंधान और विकास गतिविधियों को करने में संकाय छात्रों को की गई। ये वाली मोस्टली मतलब यानी कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ पर कौन से संस्थान में इसको एक्टिवेट किया गया हुआ, ये आपका ISC बेंगलुरु में। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, और इसका नाम क्या है, परम प्रवेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, स्कीम जो है हाल ही में किस राज्य में सक्षम की गई है? तो ये इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाला ONARC जो है आपका, ये जो स्कीम है ये इसको एक्टिवेट किया गया हुआ। इससे पोर्टेबिलिटी लेन देन विभाग को मंजूरी दे दी गई है। ये इसमें छत्तीसगढ़ के साथ मौजूदा क्लस्टर में पोर्टेबिलिटी राज्य संघ, ये सारा का सारा आपका इसके बारे में ही बताया गया कि कैसे आप इससे आप एकीकरण के साथ छत्तीसगढ़ के वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स की योजना है ये अब परिचालन में 35 राज्यों संघ क्षेत्रों को कवर, लगभग 96.8 NFSA जनसंख्या देश में, ये सारा इसके बारे में बताया गया हुआ। मतलब यानी कि आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कहाँ एक्टिवेट की गई है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, राफेल लड़ाकू जेट की समुद्री संस्करण का हाल ही में किस पर परीक्षण किया गया हुआ है? तो द सी वर्जन ऑफ द राफेल फाइटर जेट वाज रिसेंटली टेस्टेड फायर्ड ऑन। तो ये INS विक्रांत के ऊपर जो है इसका टेस्टेड किया गया, परीक्षण किया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं, हाल ही में INS विक्रांत पर परीक्षण किया गया हुआ, विमान वाहक पोत से किया गया परीक्षण सफल रहा, विमान वाहक पोत से राफेल जेट्स के टेक ऑफ की जांच के लिए परीक्षण किया गया था वह सफल रहा। INS विक्रांत विमान वाहक पोत गुलेल प्रशिक्षण का उपयोग करता है, ठीक है, और जेट्स की लॉन्च में अच्छा प्रदर्शन किया, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मतलब यानी कि इसमें ये कामयाबी इनको मिली हुई जो इनने परीक्षण किया हुआ था, ठीक है। तो अभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को शेयर करते रहें। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लॉरेंस
वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया हुआ है। तो इसमें नाम जो है किसका डाला गया हुआ है, नीरज चोपड़ा का नाम जो है इसमें आया हुआ है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो उसके बाद ओलंपिक एथलेटिक स्वर्ण भारत के लिए भारत के पहले विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 ल्यूरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर आ रही है। तो पुरस्कार के लिए नामांकन चोपड़ा जो ने ट्वीट किया होता है, इसकी नीरज चोपड़ा ने रिप्लाई किया होता है, ल्यूरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए कुछ असाधारण एथलीटों के लिए नामांकित होने के लिए एक विशेष एहसास। वह 2019 में पहलवान विनेश फोकट व लोरिस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2020 जीतने वाले क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के लिए लोरिस अवार्ड के लिए नामांकित होने के बाद केवल तीसरे भारतीय एथलीट है। तो एक विनेश फोगट है, ठीक है, एक सचिन तेंदुलकर जी है, ठीक है, और उसके बाद नंबर थर्ड पर है ये हमारे नीरज चोपड़ा है। अभी ये अवार्ड बहुत ही अपने आप में, मैंने कहा भी है कि ये असाधारण एथलीटों के लिए नामांकन होने का एक विशेष एहसास है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है, इस लेवल पर पुरस्कृत होना। नेक्स्ट हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ICUN ने 2022 में किस स्थान पर अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया हुआ है? तो ये गुरुग्राम जो जगह आती है आपकी दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में, तो वहाँ पर ये हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क पर भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आरक्षित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर ये जानकारी दी है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ये हाल ही में RBI ने किस बैंक की लाइसेंस रद्द किया हुआ? तो ये नॉर्मल लाइसेंस रद्द क्यों किया जाता है, जब किसी बैंक से आपको लगता है कि अब इनकम जो है कम होने लगी हुई है या फिर आने के चांसेस कम है, ठीक है, तो वहाँ उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो इसमें इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक ऑफ लिमिटेड नासिक का है ये आपका महाराष्ट्र में ये पड़ता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 से इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, RBI द्वारा लाइसेंस रद्द करने के प्रमुख कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नियम है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश में 2021 में भारत के साथ व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है? तो एक आपका ट्रेडमार्क पार्टनर जो है सबसे टॉप में कौन है भारत के साथ, तो अमेरिका का नाम इसमें फर्स्ट आता है, अमेरिका के बाद नंबर दो पे हालांकि चाइना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम व्यापार जो करते हैं वो अमेरिका से करते हैं। ये यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। ठीक है, अभी ये 2021 में 112, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है। भारत और चीन के साथ व्यापार भी $110.4 अरब था, तो यानी कि थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें, $112.3 और $110.4 अरब का। ठीक है, तो उसके बाद 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पर था। 2020 में हालांकि चीन टॉप पे था, 2019 में
फिर से नंबर एक पर अमेरिका था और नंबर दो पर चीन था। तो ऐसे मतलब इनके इनसे ही ज़्यादा भारत व्यापार करता है इन दो देशों से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व कैंसर दिवस की स्थिति को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी के दिन जो होता है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैंसर के ये कुछ लक्षण है, जैसे लगातार खांसी, खांसी में खून आना, ठीक है, सांस फूलना और शरीर में थकान, छाती में जकड़न और दर्द, वजन घटना, ये कुछ लक्षण है। तो इनको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लास्ट में ये विश्व कैंसर दिवस पर 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा जो ये वर्ल्ड लेवल पर कैंसर कंट्रोलिंग के लिए जो यूनियन बना हुआ बनी हुई है, तो वो विश्व स्तर पर इसे मनाया गया। दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार के कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और सरकारी कार्यवाही को प्रेरित करके हम सभी एक ऐसी दुनिया को फिर से कल्पना करने के लिए साथ काम कर रहे हैं जो लाखों रोके जा सकने वाले कैंसर से होने वाली मौतों को बचाया जा सकता है। ठीक है, और जीवन रक्षक कैंसर के उपचार और देखभाल तक पहुंच सभी के लिए समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन और कहाँ रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा मतलब इनका प्लान है। ठीक है, एज ए ह्यूमन हर एक इंसान को होना चाहिए कि वो किसी और की जिंदगी के लिए काम कर पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था आज के लिए। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी हो कि हाँ ये कुछ काम की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें चाहे आधे एक दो क्वेश्चन ही आपको लगे कि काम के थे, तो आप वो जानकारी जो है वो आगे शेयर करें। ठीक है, बाकी अभी अगर नए जुड़े हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और अभी आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग जो है सपोर्ट करते रहना। ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को भी नई जानकारी मिलती रहे और बाकी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका PDF जो है आपको संजय शर्मा नाम से जो मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।